तवज्जा तमीर फ्लाईओवर शाहदरा चौक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। लाहौर जाने के लिए कोर्ट अब्दुल मालिक सगिया रोड का इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। इस टाइम पूरे लाहौर में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कंस्ट्रक्शंस की जा रही हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, अंडरपासेस बन रहे हैं। मैं इस टाइम जिस पॉइंट पे मौजूद हूँ, ये भी द बिजीएस्ट पॉइंट ऑफ द लाहौर एंट्रेंस है, इमाम नेक रूनी फाटक। जी हाँ, यहाँ पर फ्लाईओवर की तमीर का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पर अभी प्रॉपर्टी जो फ्लाईओवर की जद में आ रही है उसको गिराया जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है। वो मैं सारी चीज़ें आपसे शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि कहाँ से और किस प्रॉपर्टी को अभी तोड़ा गया है। तो चलें मैं आपको दिखाऊं। मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हैं अभी ईंटों का ढेर लगा हुआ है, अभी भी लेबर्स लगी हुई है, काम कर रही है, प्रॉपर्टी को गिरा रही है। तो कौन सी प्रॉपर्टी इस जद में आ रही है वो आपको दिखाऊँगा। अब ये कोई फैक्ट्री है सामने ये, और इसके साथ मस्जिद भी आ रही है, और ये मस्जिद को भी शहीद करेंगे, और शायद इसके की अल्टरनेट जगह। ये देखें मस्जिद की सफ़ें, ये दरियाँ यहाँ बाहर रखी हुई हैं, और ये मस्जिद है। मैं आपको ये एरिया सारा दिखाता हूँ भाईजान। ये मस्जिद है, ये मस्जिद है, मस्जिद मस्जिद को शहीद किया जा रहा है, और मेरा ख्याल है यहाँ पे कोई अल्टरनेट ज़रूर कुछ जगह देंगे मस्जिद के लिए, क्योंकि जब भी डेवलपमेंट्स होती हैं इस तरह किसी मस्जिद को शहीद किया जाता है तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, वो उसको अल्टरनेट कुछ जगह प्रोवाइड करती है। ये बाहर शॉप्स हैं, आप मस्जिद की इंतज़ामिया से हैं? तो आपको इन्होंने कोई अल्टरनेट जगह प्रोवाइड की है कि हम आपको? प्रोवाइड नहीं की, इन्होंने हमें नोटिस दिया था। नोटिस दिया आपको? ये कब्जा ग्रुप बैठे हुए थे मस्जिदों के, ठीक है, दुकानों में। ये दुकानें उन्होंने बनाई थी मस्जिद की, मस्जिद को चलाने के लिए। ये दुकानें मस्जिद को चलाने के लिए, मस्जिद के एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए बनाई थी आपने? ये कारी साहब का महाना तनखा, बिजली का बिल, और ये जो पानी का बिल था ये देने के लिए, ठीक है। मगर वो ये कब्जा ग्रुप भी नहीं उठ रहा था, वो उठा तो ये अब हमें टाइम नहीं दे रहे आगे मस्जिद आराम से यही करके। हमें उम्मीद है ये पीछे वाले हमें पांच मरला जगह दे रहे हैं, ये हमें सारा मलबा उधर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा टाइम दिया जाए ताकि आप मलबा उतार के आसानी से किसी जगह शिफ्ट कर सकें? शिफ्ट कर लें। तो आपको टाइम नहीं दिया? टाइम नहीं दिया जा रहा, पहले कब्जा ग्रुप नहीं टाइम दे रहा था, अभी कब्जा ग्रुप गया तो वो मैं टाइम नहीं दे रहा। ये कहना है कि हमें टाइम नहीं दिया, इमीडिएट बेसिस पे मस्जिद को खाली करवाया जा रहा है। अगर हमें टाइम देते तो हम इस मलबे को तरीके से उतारते और इसको यूज़ कर लेते, पीछे के फैक्ट्री वाले जगह दे रहे हैं इनको, वहाँ पे इसको ले जाते। ये मस्जिद, ये है मस्जिद जिसको शहीद करना है। इमामिया क्लूनी फ्लाईओवर बनेगा, यहाँ से गुजरेगा, जिस वजह से ये सारी प्रॉपर्टी जो इस रद में आ रही है उसको तोड़ा जा रहा है। ये वो शॉप्स हैं जिनका कहा जा रहा है ये मस्जिद की शॉप्स हैं, यहाँ से रेंट आता है और मस्जिद के एक्सपेंस बेयर किया जाता है। ये मस्जिद की सिचुएशन है अंदर की, मस्जिद तो अब तकरीबन लॉकअप कर दी गई है। मेरा ये दिल कहता है कि मस्जिद के लिए कि अल्टरनेट गवर्नमेंट जरूर फैसिलिटी देगी, लेकिन ये मस्जिद तो हमारे यहाँ मस्जिद के निज़ाम भी इसी तरह चलाए जाते हैं कि साथ मस्जिद ये दुकानें हैं। तो बता रहे हैं पहले दुकानों पे कब्जा किया हुआ था, वो लोग नहीं छोड़ रहे थे, अब उन्होंने छोड़ा तो बस साथ ही गिराना शुरू कर दिया, टाइम नहीं दिया। अच्छा, इस तरफ भी आगे वहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। वहाँ भी चलते हैं, विजिट करके आते हैं कि वहाँ पे किस चीज़ को गिराया जा रहा है, क्योंकि एक्सीवेटर मैं देख रहा हूँ वहाँ भी काम कर रहा है। यहाँ भी कोई बिल्डिंग है जिसको गिराया है, ये गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग लग रही है। इसको भी चेक करते हैं। ये
गवर्नमेंट के ऑफिसेज है जिनको भी यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। काम स्पीडली शुरू हो चुका है, गवर्नमेंट की ऑफिसेज को भी गिराया जा रहा है यहाँ पे। बाकी ये डेवलपमेंट्स ही अब तक की जो मैंने आपसे शेयर की, यानी कि ये कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ है इमामिया क्लूनी फ्लाईओवर के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल मलिक साद अजमी को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन ऑन करते हैं तो आपको हर तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं और आप कोई वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसकी कवरेज जो जो न्यू अपडेट्स आती रहेंगी आपसे शेयर करता रहूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।